नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसबी सिंह। आज आप लोगों को पहले प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में हरिश्वरनाथ रेणु द्वारा विरचित प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम को हमारे रोकथाम की तात्विक समीक्षा बताने जा रहा हूँ। यानी कहानी कला के तत्वों के आधार पर तीसरी कसम और मारे गए दुर्खान की समीक्षा बता रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। हरिश्वरनाथ रेणु हिंदी कथा साहित्य के श्रेष्ठ आंचलिक कहानीकार हैं। उनके द्वारा लिखी गई यह कहानी प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। कहानी कला के तत्वों के बीच से यह उच्च कोटि की कहानी है। किसी भी कहानी की समीक्षा उसके कलात्मक तत्वों को ध्यान में रखकर ही की जाती है। जो कलात्मक तत्व कथावस्तु पात्र योजना संवाद योजना देश काल भाषा शैली और उद्देश्य जो मैंने ये सात कहानी कला के तत्व लिखे हैं इन्हीं सात कहानी कला के तत्वों के आधार पर किसी भी कहानी की समीक्षा की जाती है, ठीक। आइए कहानी कला के तत्व का पहले हम बात करते हैं शीर्षक की। तीसरी कसम और हमारे गए गुरुभाव का शीर्षक कैसा है? प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक है जो नवीनता और मूलता लिए हुए जो कहानी के प्रारंभ से अंत तक छाया हुआ संपूर्ण शीर्षक है। कहानी के पात्र हीरा मंत्र, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हीरा मंत्र। इस कहानी का नायक है कसम खाने की आदत है। उसका कसम खाना एक प्रकार से उस मानव स्वभाव की व्याख्या है जिसको व्यक्ति की मनोग्रंथ कह सकते हैं, ठीक। हीरामन को जिस घटना या बात से एक बार चिढ़ हो गई तो दोबारा कभी न करने की जिद ठान लेता और जिद ठान कर वह तुरंत कसम भी खा लेता। यह प्रवृत्ति उसके दृढ़ प्रतिज्ञ होने का परिचायक होती है। यह उसके चरित्र का दोष नहीं बल्कि हम उसके चरित्र का गुण भी कह सकते हैं। यह कसम खाना उसकी समझदारी और गतिशीलता का प्रतीक है। वह तीन कसम खाता है। हीरामन तीन कसम खाता है। तीसरी कसम का उसके जीवन में बहुत महत्व। प्रेम की अनुभूति होने पर उससे अलग होने पर वह ठगा सा रह जाता है, अर्थात प्रेम में धोखा खा जाता है। यह उसके प्रेम की हार। वह फिर भी इस प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ेगा, इस प्रकार की कसमें खाता है, ठीक। अब आते हैं कथा वस्तु या कथानक। तीसरी कसम रेणु जी की प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। इसका फिल्मांकन भी हो चुका है। तीसरी कसम पर फिल्म भी बन चुकी है तीसरी कसम नाम से। इसका कथानक सुगठित सुव्यवस्थित संक्षिप्त और स्पष्ट है। कहानी की कथावस्तु मूलतः प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें बिहार प्रांत के पूरिया जनपद की आंचलिकता को कुशलतापूर्वक दिखाया गया है। इसमें सजीवता मानवीयता एवं संवेदना इत्यादि भावों का समावेश किया गया है। हीरामन नामक गाड़ी वान इस कहानी का नायक है जो क्या है भोला भाला है, सीधा साधा है। पिछले कई वर्षों से वह गाड़ी चलाता आ रहा है। वह चोर बयारी का माल सीमा पर पहुंचाया जाता है। एक बार उसकी गाड़ी पकड़ ली जाती है। हीरामन चिंता व चालाकी से बैलों को खोल कर भाग लिया, गाड़ी वहीं छोड़ दी। घर आने पर दो दिन तक वह बेहोश रहता है, ठीक। होश आने पर कान पकड़कर वह कसम खाता है कि अब कभी अपनी गाड़ी में चोरी का माल नहीं लादेगा, ठीक, या लगनी नहीं करेगा। इसी प्रकार एक बार उसकी गाड़ी पर बांस लगा था। बांस का अगुआ एक घोड़ा गाड़ी में घुस गया। घोड़ा गाड़ी वालों ने हीरामन को चाबू से मारते हुए गालियां दी। हीरामन ने दूसरी कसम खाई कि अब कभी भी वह अपनी गाड़ी में बांस की लगनी नहीं करेगा, ठीक। इस प्रकार वह दो कसमें खा चुका होता है। उसका विवाह उसकी भाभी की जिद के कारण अभी तक नहीं हो पाया। भाभी की जिद है कि वह तुम्हारी लड़की सी ही उसकी शादी करेगी, ठीक। हीरामन का बचपन में ही विवाह हो गया था किंतु
गौणेश पूर्व, किंतु गौणेश पूर्व क्या, गौणेश पूर्व उसका मतलब उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, ठीक है ना। हीरामन फारबिसगंज के मेले में जाने के लिए जनानी सवारी को बताता है, जो मथुरा मोहन कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई है। हीरामन उस सवारी को दुनिया की आंखों से बचाकर रखना चाहता है। रास्तों में परिचय होता है कि वह सवारी हीराबाई है जो मेले में आई नौटंकी के लिए वहां जा रही है। ठीक, हीरामन उस सौंदर्यमयी सवारी के रूप में उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। उसकी गंध उसके मन में रच मच जाती है। वह पूरे रास्ते उसका ध्यान रखता है, रास्ते के लोगों को उसका सही परिचय ही नहीं देता। ठीक, उसका मन बनाने के लिए वह मछुआ की कहानी सुनाता है, रास्ते के लोगों को उसका सही परिचय भी नहीं देता, और रास्ते में बच्चे हीरामन को दुनिया समझकर गाना गाते। ठीक, अंत में हीरामन हीराबाई को अपने प्राणों से भी ज्यादा मानता है। अंत में नौटंकी की समाप्ति पर हीराबाई रेलगाड़ी से वापस जा रही है। ठीक, वह हीरामन को उसके पैसों की थैली वापस करती है और रेलगाड़ी में बैठकर चुपचाप चली जाती है। सरल प्रेमी, इस प्रकार हीरामन का जो हृदय है वह टूट जाता है। हीरामन को आंतरिक क्लेश होता है, आंतरिक दुख होता है, और वह क्षुब्ध होकर तीसरी कसम खाता है। क्या कसम खाता है? कि आज के बाद वह किसी भी कंपनी की नौटंकी वाली औरत की लदनी या अपनी गाड़ी पर नहीं बैठाएगा, कभी नहीं बैठाएगा। यही हीरामन की तीसरी कसम थी। एक तो बांस के संदर्भ में कसमें खाई, और एक तो क्या कहते हैं चोरी से माल लाता था कुछ किसी सामान का, और तीसरी कसम क्या खाए, प्रेम प्रेम में धोखा खाने की वजह से। ठीक, ये तीन प्रकार की थे। इस प्रकार कथा वो सत्यंत मानवी सरल एवं सहज है, जो बोले वाले हीरामन जैसे गाड़ीवान युवक हृदय को क्षुब्ध करने पर खाए जाने वाले तीन कसमों पर आता है। ठीक, ये उसकी कथा वस्तु। आइए हम पात्र और चरित्र की बात करते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं हीरामन और हीराबाई। हीरामन इस कहानी का नायक है, हीराबाई इस कहानी की नायिका है। समस्त घटना चक्र मतलब समस्त घटना इस कहानी की समस्त घटनाएं इन्हीं यानी हीराबाई और हीरामन के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती रहती है। इनके अतिरिक्त कथा को विस्तार एवं प्रदान करने वाले पात्र में लाल मोहर धुनी की है, दरोगा जी है, पलट दास है, धुनी राम लसनवा बक्सा ढोने वाला आदमी आ। इसके प्रमुख पात्र जीवन के ओर सजीव है। प्रारंभ से आखिर तक सारी कहानी इन्हीं दो पात्रों के चारों ओर। हीरामन क्या है? हीरामन 40 वर्षीय हृष्ट पुष्ट युवक है जिसका रंग काला है। घर में उसका बड़ा भाई खेती करता है जो बाल बच्चों वाला है। वह अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता है, उनसे डरता है। बचपन में हीरामन की शादी हुई थी किंतु गौने से उसकी पत्नी मर गई थी। वह सरल हृदय का स्वामी है, व्यवहार कुशल है, लोकगीत गाने में उसकी रुचि है। हीराबाई के प्रति उसके मन में प्रेम है। एक बार पकड़े जाने पर भी कभी चोरी का सामान न लादने की कसमें खाता है। ठीक, इसके बाद इस कहानी का दूसरा मुख्य पात्र हीराबाई है। वह अत्यंत सरल सुंदर है और भावुक विवाह और नौटंकी कंपनी में लैला की भूमिका निभाने वाली एक नायिका है। ठीक, उसकी आवाज मीठी है, सुरीली है, मधुर है। वह मधुर उदार सहनशील हसमुख वाली अपनी कला में पारंगत है। उसके अंदर वह चुकोट की मानवीय भावनाएं विद्यमान है। उसके हृदय में भी हीरामन के प्रति प्रेम एवं सहज आत्मीयता का भाव है। इसी कारण अपने सूचनाकर्मियों से उसे अपना आदमी कहकर परिचय कराती है। प्रेम में अनुभव होने के बाद भी वह अत्यंत विवश भावुक और अवसादग्रस्त परिस्थितियों से बची। अब जो तीसरी है विशेषता संवाद अथवा कथोपकथन। ठीक, इस कहानी में जो संवाद योजना है वह सम्मत सहज सरल संक्षिप्त तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने वाली प्रभावपूर्ण है। कहानी के संवाद प्रसंग
छोटे छोटे हैं और चुकीलापन और आंचलिकता लिए हुए, ठीक है, जैसे कौन कौन दास कहां की रत्नी लाए, ठीक। लाल मोहन ने पराए गांव के आदमी की तरफ पूछा, सच्ची बात कही कि दिमाग सुकुमारी, ठीक। मनोरंजक और नाटकीयता से भरपूर संवाद योजना श्रेष्ठ सिद्ध हुई है, ठीक। रसिकता से पूर्ण होकर भी उत्कृष्टता के लिए शिखर पर पहुंचने वाली संवादों ने कथा को गति प्रदान करने के साथ साथ उनमें इस कहानी में सजीवता और प्राणों का भी संचार किया है, सजीवता और प्राणों का भी संचार किया है, ठीक। अब आते हैं अगली जो तत्व है देश काल और वातावरण। प्रस्तुत कहानी में यानी इस कहानी में कहानीकार ने बिहार के ग्रामांचल के वातावरण का सुंदरता से चित्रण किया है। देश काल और वातावरण पर पूर्ण पकड़ रही है रेणु जी ने खारे सिंह चंपानगर तथा खरहिया ग्रामांचलों का ग्रामीण चित्रण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले का जीवन कैसा होता है, गांव में नौटंकी आने पर या मेला लगने पर वहां के लोगों के जीवन में एक विचित्र सा परिवर्तन आ जाता है, आस पास चहल पहल बढ़ जाती है तथा वहां के लोग नौटंकी में नृत्य करने वाली बाई को हे दृश्य देखकर उसके विषय में कुछ बातें करने लगते हैं। यह सब इस कहानी में चित्रित किया गया है, इस कहानी में दिखाया गया है। देश काल और वातावरण आंचलिक कहानीकार के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। कहानीकार बिहार अंचल में ले जाने में सफल रहा, वातावरण के सफल चित्रण इस कहानी में भरपूर मात्रा में किया गया है। तीसरी कसम और मारे गुरुमान कहानी देश काल और वातावरण की दृष्टि से एक विशेष प्रकार की कहानी बनी, ठीक। आइए देखते हैं भाषा शैली। फणीश्वरनाथ रेणु महत्वपूर्ण आंचलिक कथाकार माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने परंपरागत भाषा में कहानियों की रचना न करके एक अंचल विशेष में प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया है, ये ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है, ठीक। कहानी बिहार के ग्रामीण अंचल की है, उसी स्थान के शब्दों का प्रयोग भाषा में हुआ है। कथानायक जो कहानी का नायक है हीरामन गाड़ीवान है, उसकी भाषा अंचल विशेष से जुड़ी हुई, फिर भी बाहर के सभी लोगों से वास्ता पड़ता है, इसलिए उसकी भाषा आंचलिकता को न छोड़ते हुए सभी भाषा भाषी को एक साथ लेकर चलती है, ठीक। मन में आ गया, निष्कर्ष रूप में उनकी आंचलिक भाषा सहज स्वाभाविक होने के साथ साथ प्रभावशाली सशक्त और सार्थक मानी गई। इसके बाद शैली, इस कहानी की जो शैली है वह वर्णात्मक शैली है जो बिंबाबिंब दिखाने के लिए प्रयोग की गई, साथ ही काव्य की रूप काव्य के गुण बताने के लिए भी इस शैली का प्रयोग किया गया है। ध्वनि सौंदर्य भी कहानी को सहजता और प्रभावकता प्रदान करता है, ठीक, समझ में आ गया। अब आते हैं हम उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य एक सरल निष्कपट सहज प्रेम को सात्विक भाव से प्रस्तुत करने का रहा है, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य। हीरामन हीराबाई से कोमल संवेदनाओं के साथ न जाने कब से जुड़ जाता है, उसे साक्षात सरस्वती भगवती समझता है, उसे लोगों द्वारा अपशब्द कहने पर दर्शकों से मारपीट करता है और उसके चले जाने पर इतना टूट जाता है और थक जाता है कि कभी कंपनी वाली औरत की लगनी या अपनी गाड़ी पर बैठना बैठाने की अपनी तीसरी कसम खा लेता, ठीक। प्रेम को दैहिक संतुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, जो सच्चा प्रेम होता है वह दैहिक संतुष्टि पर निर्भर नहीं करता है, ठीक, बल्कि वह आत्म या आध्यात्मिक संतुष्टि पर निर्भर करता है। यह पवित्र भेद भावना को प्रस्तुत करना रेणु जी का मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसमें वह पूर्णतः सफल रहे, ठीक। इसीलिए कहा गया है कि सच्चा प्रेम वही है जिसके प्रेम के आत्मबल पर निर्भर है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कहानी का शीर्षक प्रारंभ से अंत तक छाया हुआ है, कहानी पर फिल्म बनाना तथा दर्शकों पर उसकी छाप छोड़ना यह सिद्ध करता है कि यह कहानी
कहानी कला के दृष्टि से ही नहीं बल्कि अन्य मानसिक सामाजिक ठीक सांस्कृतिक अन्य बाह्य परिवेश की दृष्टि से भी यह एक सफल और उत्कृष्ट कहानी मानी गई है। समझ में आ गया आज के इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो तीसरी कसम को मारे गए गुलफाम कहानी की तात्विक समीक्षा बताई वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।